मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्कार, स्काई मेट वेदर में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश पलावट। तो जैसा हमने बताया था वैसा ही हुआ है कि आज सुबह से हमने देखा कि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, यानी एक तो पश्चिमी विक्षोभ है जो पाकिस्तान के आसपास है और धीरे धीरे ये जम्मू कश्मीर के आसपास आया जाएगा और उसके प्रभाव से बनने वाला जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है, वो सेंट्रल पाकिस्तान और उससे सटे हुए नॉर्थ वेस्ट राजस्थान पे, आप देखिए ये बादल देखे जा सकते हैं जो आप देखिए कि ये पाकिस्तान के पंजाब से लेकर के और ये दक्षिण तक आ रहे हैं, यानी कि पंजाब प्रांत के दक्षिण तक आ रहे हैं और जो नॉर्थ वेस्ट राजस्थान है उस इलाके में और बाकी इलाकों में भी बादल देखे जा सकते हैं। पंजाब के कुछ इलाके में भी अभी बादल बने हुए हैं। तो सुबह के समय हमने देखा कि धूल भरी आंधी और हल्की बारिश जोधपुर, बीकानेर और सीकर, अलवर और उसके आसपास के इलाकों में, गंगानगर, श्री हनुमानगढ़, इन इलाकों में शुरू हुई है। अब ये जो वेदर है, यानी कि जब भी ये ट्रफ बनती है यहाँ से लेकर के आप देखिए दिल्ली के साउथ तक ट्रफ बनी हुई है, तो और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जब होता है तो हवाएं इस तरह से चलती हैं, तो बादल इस तरह से आगे चल रहे हैं और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन आगे आएगा तो बादल भी आगे की तरफ आएंगे, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो पंजाब के कई भागों में आज धूल भरी आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है। राजस्थान में भी कई इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ साथ बारिश होगी और मेघ की गर्जना होगी, यानी बादल गरजेंगे। और दिल्ली के आसपास भी अभी फिलहाल बादल ज्यादा नहीं बने हैं और पलवल वगैरह तक आ गए हैं, अलवर और सीकर तक आ गए हैं बादल। तो हरियाणा के जो पहले पश्चिमी जिले हैं, यानी कि सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, इन इलाकों में बारिश और धूल भरी आंधी शुरू होगी और धीरे धीरे वो आगे की तरफ बढ़ेगी। तो देर दोपहर या शाम के समय हमें उम्मीद है कि बारिश की गतिविधियां या धूल भरी आंधी दिल्ली एनसीआर को भी कवर करेगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो मध्य जिले हैं उत्तर प्रदेश के, इन इलाकों में भी, लखनऊ, कानपुर और उसके आसपास के इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। और आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कुछ इलाकों में, फैजाबाद, गोरखपुर, जो ऊपर वाले यानी कि नॉर्थ वाले इलाके हैं, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां होंगी, क्योंकि ये ट्रफ रेखा, एक तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है मध्य ये उत्तर प्रदेश के ऊपर और यहाँ से जो ट्रफ रेखा पिछले कई दिनों से आपने देखा होगा कि असम तक जा रही है, तो ये जो बारिश की गतिविधियां हैं अब बिहार के कई इलाकों में, यानी पूर्वी जिलों में और झारखंड में, इन सारे इलाकों में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों में काफ़ी तेज बारिश हुई है, तो उस इलाके में भी ये बारिश की गतिविधियाँ हमें उम्मीद है कि अभी होती रहेंगी। और ये देखिए कि जो हवाएं हैं, ये जो एरो आप देख रहे हैं, ये अरब सागर से नमी वाली हवाएं इस तरह से नमी पहुंचा रही है राजस्थान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में और इसी तरह से बंगाल की खाड़ी से भी पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत में नमी आ रही है। तो ये जो वेदर एक्टिविटी है आज कई इलाकों में होगी, लेकिन कल होते होते इसका जो ओरिएंटेशन है, यानी कि इंटेंसिटी है, काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। लेकिन कल भी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ इलाकों में छुटपुट बारिश की गतिविधियों के साथ धूल भरी आंधी होगी, लेकिन दिल्ली एनसीआर का मौसम लगभग साफ रहेगा और हो सकता है कि एक दो स्थानों पर हल्की धूल भरी आंधी के साथ मेघ गर्जना हो जाए, तो पूर्वी भारत में तो जारी रहेगी और इस इलाके में। तो 7, 8, 9 ये जो 3 दिन हैं उस इलाके में, उस पीरियड में ये जो वेदर एक्टिविटी है, प्री मानसून गतिविधियां काफ़ी कम हो जाएंगी, लेकिन छुटपुट वेदर एक्टिविटी रहेगी। टेम्परेचर एक बार फिर थोड़े से बढ़ेंगे, लेकिन 10 और 11 मई को एक बार फिर नया पश्चिमी विक्षोभ जो काफ़ी सशक्त होगा वो आएगा, जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक बारिश देगा और उसके प्रभाव से जो बनने वाला चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जो उत्तर भारत में बनेगा, तो एक बार फिर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां और धूल भरी आंधी बढ़ेगी। हालांकि मई का महीना जो होता है वो सबसे ज़्यादा उग्र होता है, यानी कि इसमें प्री मानसून गतिविधियां सबसे ज़्यादा होती हैं और काफ़ी ज़्यादा तेज होती है। कभी कभी क्या होता है कि जब धूल भरी आंधी आती है तो उसके साथ साथ बादल गरजते हैं और बिजली भी गिरने की संभावना रहती है, ओलावृष्टि भी होती है, तो उस समय जो हवाओं की रफ्तार है 80 से 90 किलोमीटर तक भी चली जाती है और हेल स्टॉर्म की संभावना भी रहती है। कारण यह होता है कि जैसे हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप फिर बोलेंगे कि ज्योग्राफी मैं पढ़ाने लग जाता हूँ, वो ये कारण क्या है कि जब गर्मी होती है, इस समय गर्मी है और ये नमी वाली हवाएं आ रही हैं, यानी नमी बढ़ रही है, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ट्रफ रेखा, यानी ये जो सारे वेदर पैरामीटर हैं उसके कारण जब साइक्लोनिक सर्कुलेशन एंटी क्लॉकवाइज हवाएं घूमती हैं तो ये हवाएं ऊपर उठती हैं और ऊपर जब उठती हैं तो जो हवा एक्सपेंड होती है और जो ठंडी होती है तो उसमें जो मॉइस्चर होता है वो कंडेंस होकर बादल बनाता है और ये जब बादल काफ़ी ऊंचाई तक बन जाते हैं तब क्या होता है कि उसमें ये जो सुपर कोल्ड वाटर ड्रॉपलेट्स है वो फ्रीज होकर के बर्फ जैसे, यानी छोटे छोटे बर्फ के कणों में बन जाती है और वो आपस में
टकरा के चिपक करके ओले जैसे बन जाते हैं, और जब वो गुरुत्वाकर्षण से नीचे गिरते हैं पानी और जो बर्फ, तो उसके कारण ओलावृष्टि भी होती है और बारिश भी होती है। और पहले क्या होता है कि डाउन ड्राफ्ट के कारण जो हवा नीचे आती है उससे धूल भरी आंधी आती है, और उसके बाद क्योंकि मॉइस्चर इतना ज़्यादा नहीं होता तो जो बारिश आती है वो रस्ते में ही एक तरह से एवोपरेट हो जाती है, और थोड़ी बहुत बारिश कभी कभी नीचे गिरती है। तो आपने देखा होगा पहले आंधी आती है, उसके बाद ठंडी हवा आती है और हल्की बारिश होती है, और कभी कभी जब मॉइस्चर थोड़ा ज़्यादा होता है या बादल ज़्यादा इंटेंस होता है तो ये जो एक्टिविटी है वो थोड़ी सी इंटेंस हो जाती है। तो इस समय जो सेटेलाइट पिक्चर है आप देखें, ये एनिमेशन है, तो आप देखिए बादलों की गति दिशा, यानी ये देखो पाकिस्तान से होते हुए ये अंदर की तरफ आ रहे हैं, ये पंजाब हरियाणा और राजस्थान को कवर कर रहे हैं, और ये उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भी देखे जा सकते हैं। तो इस तरह से ये वेदर एक्टिविटी, क्योंकि साइक्लोनिक सर्कुलेशन ऐसे है, और जब ये इस तरह से इसीलिए बादल थोड़े से ऐसे चल रहे हैं, और जब आगे बढ़ेगा साइक्लोनिक सर्कुलेशन तो दिल्ली एनसीआर सहित बाकी इलाकों को भी कवर करेगा और ये वेदर एक्टिविटी होने वाली है। तो आज तैयार रहिए, कई इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ बारिश हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटेंस वेदर एक्टिविटी हमें दिल्ली एनसीआर में दिखाई नहीं दे रही, लेकिन फिर भी कुछ राहत मिलने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। इसके आगे जो अपडेट होगा हम आपको आगे बताएंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए प्रदूषण की रियल टाइम इन्फॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल।